उन्होंने भी हमें एक हफ्ते का टाइम दिया कि एक हफ्ते से पहले आप लोगों को बुलाएंगे, तो बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा, तो इंशाल्लाह। जब आज आप देख लें खुद भी और मुझे भी, आज इतना अपने आप पर यकीन हो गया ना, आप ना पूछें। अभी मैंने कपड़े जो थे ना वो भी नहीं बदली किए, अभी मैं लिबाई आप देखें, मैंने पहले पिछले भी लोग आपको दिखाई थी, मैंने उसकी एक साइड लिबाई की थी, अभी देख सकते हैं अभी गीला है। अभी मैं लिबाई करके गई हूँ, अभी मैंने हाथ धोए, मैंने सोचा कि दोपहर का थोड़ा खाना खा लूं, कि सुबह की मैं लगी हुई थी। जैसे मैंने ये साइड कंप्लीट करके ना हाथ धो के अंदर गई हूँ, ना बारिश का बिल्कुल चांस ही नहीं था आने का, ना बादल बने हुए थे, ना कुछ भी नहीं था। अचानक से आप देख सकते हैं धूप, अल्लाह का निजाम देखें, धूप भी निकली हुई है और बारिश भी देख सकते हैं आप कितनी तेज आ रही है। चले शुक्र है अल्लाह पाक का। वो कहते हैं ना इंसान जो चाहता है वो नहीं होता, अल्लाह पाक की मर्जी से सब कुछ होता है। मैं थक गई थी, मट्टी अभी भी पड़ी है, तो जो मैंने भिगो के रखी थी ना अभी बच गई थी, मैंने कहा चले अब थोड़ा रेस्ट करके ना दोपहर का खाना खा के फिर उस साइड की जो थी ना वो लिबाई उस साइड की शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं बस अल्लाह की मर्जी है और बंदा क्या कर सकता है। तो हमारा सहन जो था ना वो बहुत कच्चा है, हम इसमें इतनी बार पानी लगाया है ना, लेकिन ये जैसे बारिश आती है ये बिल्कुल प्रेस हो जाता है। आप देख सकते हैं अब कितना प्यारा लग रहा है। एक चीज का फायदा और एक चीज का नुकसान, ये तो जिंदगी में होता रहता है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से हम भी ठीक हैं। दुआ करते हैं कि हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। तो यार आज इस नेक दुआ के साथ आज का भी लोग जो है वो शुरू करते हैं। तो काफी पहले, तकरीबन एक घंटा पहले 4-5 मिनट बारिश आई थी, लेकिन मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, मैंने कहा मैं जब भी लिबाई करती हूँ ना उसी टाइम बारिश आ जाती है, तो अल्लाह पाक का शुक्र है। आप देख सकते हैं लिबाई को कुछ नहीं हुआ, बस इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं आई थी, 4-5 मिनट आई थी, लेकिन अच्छी आई थी, लेकिन वो उसकी जो शॉट थी ना बारिश की वो इसी तरफ थी, यहाँ पे जो है ना वो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक खड़ी हो जाए, जितनी भी लिबाई की है बिल्कुल ठीक खड़ी। तो अभी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शाम की रूटीन शेयर कर रहे हैं। तो आज खाने में आलू गोश्त बना रहे हैं, तो जो हम सब्जी खाने में बनाते हैं आप लोगों के साथ वही शेयर करते हैं। तो अभी सामान जो है सारा मैंने जोड़ के रख दिया है, प्याज वगैरह काट लिए हैं, तो अभी जो है चूल्हे में आग जलाते हैं, तो फिर करते हैं खाना शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो अगर आज आप लोगों के साथ एक और बात भी शेयर करनी थी, तो वो बात यह है कि मेरी एक प्यारी सी बहन है जिसका नाम किश्वर है, तो उन्होंने हमें बुलाया है अपने घर में। तो वो भी यूट्यूबर है, यानी यूट्यूब फैमिली है, वो भी बहुत अच्छी फैमिली है। तो वो दिल के भी बहुत अच्छे और नेक लोग हैं, क्योंकि हमने तकरीबन 1 महीना पहले उनके घर में जाना था। तो उनका जहाँ पे ना, उसने किसी से जमीन रेंट पे लेके ना उसने अपना घर बनाया हुआ था। उसका घर इतना प्यारा है, आपको नजर आ रहा होगा सामने से, तो माशाल्लाह उसके घर को देख देख लेना, एक बंदा दिल खुश हो जाता है। तो जब जिसने जिसके से उन्होंने जमीन ली थी ना, जिस इंसान से, जब उन्होंने देखा कि उसका जो अब माशाल्लाह अच्छा सेटअप चल रहा है, तो किसी के रिस्क को देखकर या किसी के रिस्क पे जेलस होना ये बुरी बात है। तो उसने देखा कि इसका अच्छा खासा सेटअप चल रहा है, तो उन्होंने ये आके उन्हें कहा कि आप ना मेरी जगह जो है ना खाली करें। उन्होंने कहा आपने तो हमें ना 3 साल के लिए दी थी, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, तो हम आपका प्लाट कैसे खाली करें। उन्होंने कहा बस नहीं, उन्होंने ये किसी उसकी अपनी जमीन थी ना, उन्होंने कहा बस आप खाली करें। तो उन बेचारों ने बहुत कोशिश की। आप देख सकते हैं कि एक बंदा चूल्हा भी बनाना आ जाए ना, तो वो भी पूरा महीना लग जाता है। और कितने एक घर बना बनाया, हर चीज उसमें उनकी जरूरत की थी। तो उस बंदे ने यही कहा बस मुझे और कुछ नहीं सुना, आप मेरा जो घर है वो खाली करें। तो अब उनके पास घर छोड़ने के बगैर और कोई रास्ता भी नहीं था। तो उन्होंने वो घर जैसे ही बनाना बनाया था ना, तो वैसे उन्होंने सारा तोड़ फोड़ के ना, जिसका उसका सामान था ना जितना, वो सारा अब ले गए। तो उन्होंने अब इनसे माशाल्लाह दूसरी जगह जो है वो उन्होंने ले ली है। और उनका जो पुराना घर था वो भी आपको नजर आ रहा होगा, और जो न्यू घर अभी वो बना रहे हैं आपको वो भी नजर आ रहा होगा। जैसे उनके पुराने घर के डिजाइन था ना, वो बिल्कुल सेम वैसा ही बना रहे हैं। क्योंकि काफी हमारे बहन भाई कहते थे कि आपके घर का डिजाइन जो है ना वैसा होना चाहिए जैसे पहले था। तो अब वो वैसे ही घर बना रहे हैं जैसे उनका घर पहले था। तो उन्होंने हमें भी बुलाया है, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। तो ये आपको पता है कि इंसान जो बात करता है ना वो पूरी तो नहीं होती, लेकिन वो अल्लाह पाक की मर्जी से जो काम होता है वो ही होता है। तो अब तकरीबन हमारा तो इरादा है, और उन्होंने भी हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया कि 1 हफ्ते से पहले आप लोगों को बुलाएंगे, तो बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी और नेक दिल के लोग है। हमारा उसके साथ कोई नहीं पहले ताल्लुक था, लेकिन अब जो है हमारी मेरी किश्वराबी से बात भी होती है, तकरीबन 3-4 बार बात हुई है। तो जैसे एक बहन भाइयों का ताल्लुक बन जाता है, हमारा भी ऐसे ही है, एक बहन भाइयों की तरह हमारा ताल्लुक है। तो हम लोग वहीं पे जाएंगे और आप लोगों को मिलवाएंगे कि वो जो वो कैसी फैमिली है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जाएंगे। खाना जो है अभी बन गया है, तो आप देखते हैं आप ही को। आप ही तो दूर पे आटा लेके गई है कि उसने पेड़े बनाए हैं, रोटियां लगा रही है कि नहीं। मैं आपकी हेल्प करती हूँ क्योंकि अभी टाइम बचा है थोड़ा, तो जल्दी जल्दी रोटियां लगा के फिर आप लोगों के साथ खाना शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधे बैठे, सीधे बैठे, सीधे बैठे।
आपको खा लगता है, आपको खाते हैं है। मम्मा ने खाना बनाया, अच्छा लगता है मम्मा का खाना। आज आप के बच्चे तो है नहीं, वो कहते हैं अभी हमने नहीं खाना। मैंने कहा चले हमें दे, मेरे दोनों बच्चे भी खाएंगे, मैं खुद भी खाऊंगी। माशाल्लाह खाना जो हमारा बन गया है, और आप लोगों के साथ पूरी की टीम भी शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा व्लॉग आज का जरूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो के साथ। अभी के लिए आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज। मैं।